हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी में। मैं हूं सीए निखिल मेहता। मैं आपसे कनेक्टेड हूं उदयपुर से। हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया है और अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जैसा चार्ट मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा चार्ट आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है, चाहे वो ट्वेल्थ हो, सीए फाउंडेशन हो या आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बीकॉम में, बीबीएम में, जहां भी पार्टनरशिप चैप्टर होगा वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यही चार्ट आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और सीखते हैं आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग की डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि जो एक बिजनेस का ओनर होता है वो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसा या तो कैश में या तो काइंड में विड्रॉ करके अपने घर पे लेके चला जाता है, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट भी यहां पे यही हुआ। मीनिंग ऑफ ड्राइंग में देखिए क्या हुआ, अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश और इन काइंड। इसका मतलब ड्राइंग हमेशा कैश में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ड्राइंग काइंड में भी हो सकता है। पार्टनर को घर पे जरूरत थी तो पार्टनर हमारे बिजनेस में से कुछ गुड्स अपने घर पे लेके चला गया। हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो किराना का बिजनेस करती है, ग्रोसरी आइटम्स का बिजनेस करती है, तो पार्टनर को घर पे जरूरत थी तो पार्टनर ने 10,000 रुपए की गुड्स की ड्राइंग कर ली, ऐसा भी संभव है। तो ड्राइंग जो है वो क्या है, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट कैश में होना जरूरी नहीं है, बाय द पार्टनर इन कैश और इन काइंड। अब बात करते हैं कि ड्राइंग कितने टाइप की होती है। जब तक हम लोग ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं समझ सकते हैं। तो बात आती है कि ड्राइंग कितने टाइप की होती है। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ ड्राइंग। ये वाला पॉइंट मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक बार बता रखा है कि ड्राइंग दो टाइप की होती है और आज मैं एक बार फिर डिटेल में लेके आया हूं आपके पास। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है, जो ड्राइंग करता है, वो ड्राइंग दो टाइप की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इसका डिटेल में समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से तभी पढ़ सकते हैं जब हम इस वाले टॉपिक को डिटेल में करें। ओके, तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए नाम का एक पार्टनर है और मिस्टर ए नाम के पार्टनर ने हमारी फर्म में 10 लाख रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट करी है। जब हमारी फर्म स्टार्ट हुई या बाद में मिस्टर ए अपने घर से फर्म के लिए कितने रुपए लेके आया, 10 लाख रुपए मिस्टर ए लेके आया। ओके, अभी पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर हैं, तो इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। ओके, एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, वो जो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप का अग्रीमेंट है, उस पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में लिख रखा है कि फर्म कौन, फर्म मिस्टर ए को, किसको, किसको, मिस्टर ए को ईयर एंड पे, कब कब, ईयर एंड पे मतलब हर साल 31 मार्च 2019, 2020, 2021 जो भी है, हर साल 31 मार्च को फर्म मिस्टर ए को सैलरी देगी, कमीशन का पेमेंट भी करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगी,
और हर साल जो प्रॉफिट या लॉस में शेयर रहेगा वो भी हमारी फर्म मिस्टर ए को हर साल समय समय पर मतलब 31 मार्च को हर साल देने वाली है, ऐसा हमारी पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है। ओके, अब मुझे बताइए कि मिस्टर ए ये सब चीजें कब ले जाएगा अपने घर पे? हर साल कब? 31 मार्च को, मतलब जब पूरा ईयर एंड हो जाएगा उस ईयर एंड पे मिस्टर ए एलिजिबल होगा अपनी सैलरी लेने के लिए, अपना कमीशन लेने के लिए, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के लिए। ओके ओके, अभी क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारी फर्म ने 31 मार्च को ए को 2 लाख रुपीस दिए हैं। किस चीज के? ये सब की टोटल कितनी है? 2 लाख रुपीस है। हमारी फर्म ने मिस्टर ए को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये सब मिला के 2 लाख रुपीस मिस्टर ए को पेमेंट किया है, मतलब उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए हमारी फर्म में कितने रुपए लेके आया था? तो मिस्टर ए लेके आया था 10 लाख रुपए। तो मुझे ये बताइए कि अब हमारी फर्म में ए का जो बैलेंस है ना कैपिटल अकाउंट का या उसके कैपिटल और करंट अकाउंट का टोटल, वो कितना है? तो अब हमारी फर्म में मिस्टर ए का बैलेंस हो गया है कितना? एज बैलेंस 12 लाख रुपीस। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए तो मिस्टर ए अपने घर से लेके आया था हमारी फर्म में, और हमारी फर्म में यहाँ रहते हुए काम करते हुए मिस्टर ए को समय समय पर हमने सैलरी दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट में शेयर दिया, उसका 2 लाख रुपीस, कितना रुपया? 2 लाख रुपीस हमने मिस्टर ए को क्रेडिट किया है कुल मिलाकर अभी तक। तो मिस्टर ए का हमारी फर्म में जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है? वो क्रेडिट बैलेंस हमारी फर्म में उसका 12 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपए वो अमाउंट है जो मिस्टर ए अपने घर से लेके आया था, और 2 लाख रुपए का वो अमाउंट है जो हमारी फर्म ने समय समय पर ए को क्रेडिट किया। ओके, अभी क्या हुआ कि मान लीजिए मिस्टर ए को पैसों की जरूरत पड़ी, मिस्टर ए को 1 लाख रुपीस विड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है, मिस्टर ए के घर में कोई फंक्शन है और उसको अर्जेंटली 1 लाख रुपीस चाहिए। तो ए ने फर्म को कहा कि मेरे जो 12 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं ना, उसमें से 1 लाख रुपीस मुझे देना, मेरे घर पे फंक्शन है, चाहिए अर्जेंट में। तो हमारी फर्म ने ए को पूछा कि भैया जी, आपको जो 1 लाख रुपीस चाहिए ना, वो 1 लाख रुपीस हम कहां से दें? जो 10 लाख रुपए आपने हमारी फर्म को दिए थे वहां से निकाल के देवे, या फिर जो 2 लाख रुपीस हमारी फर्म आपको सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर दिया है उसमें से पैसा निकाल के देवे? तो मिस्टर ए ने कहा कि मुझे इस 10 लाख रुपए में से जो मैं मेरे घर से 10 लाख रुपए लेके आया था ना आपकी फर्म में, उसमें से मुझे 1 लाख रुपीस दे दो। ओके, ऑप्शन नंबर 1, या तो 1 लाख रुपीस मिस्टर ए कहां से लेगा? अपनी जो मेन कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें से मिस्टर ए पैसा विड्रॉ करके ले जाएगा, या फिर मिस्टर ए क्या करेगा, या फिर मिस्टर ए बोलेगा कि जो सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, उसमें जो मेरा हिस्सा है ना, मुझे उसमें से 1 लाख रुपीस दे दो। भाई दो ही केस बनेंगे, या तो बोलेगा कि ये जो 10 लाख रुपए मेरी मेन कैपिटल है उसमें से मुझे 1 लाख रुपीस दे दो, या फिर वो क्या बोलेगा कि जो मेरा सैलरी, प्रॉफिट और ये सब बनता है उसमें से मुझे 1 लाख रुपीस दे दो। अगर वो अपनी मेन कैपिटल में से, किसमें से? अपनी मेन कैपिटल, ये है हमारी एग्जांपल में मेन कैपिटल, अगर वो अपनी मेन कैपिटल में से 1 लाख रुपीस विड्रॉ करके लेके जाएगा, तो इसको हम नाम देंगे क्या? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या नाम देंगे इसको हम? इसको हम नाम देंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। और अगर मिस्टर ए 1 लाख रुपीस कहां से लेके गया, कहां से लेके गया? अगर वो अपने प्रॉफिट शेयर में से लेके जाता है, वो अपने सैलरी, कमीशन का जो उसका हिस्सा बनता है उसमें से लेके जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट।
क्या बोलेंगे उस 1 लाख रुपीज को हम ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या आप लोगों को दोनों का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया? ओके, तो इस प्रकार अपने चार्ट में चलते हैं और चार्ट का सेकंड पॉइंट देखते हैं। चार्ट का सेकंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग, और कितनी टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में पार्टनर क्या करता है? अपनी मेन कैपिटल में से पैसा लेके चला जाता है। और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में पार्टनर क्या करता है? पार्टनर अपना जो प्रॉफिट का शेयर है, सैलरी है, कमीशन है, उसमें से कुछ पैसा लेके चला जाता है। ओके, अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा, क्यों लगेगा, कौन से वाले ड्रॉइंग पे लगेगा, तो उसको हम लोग 2 मिनट और डिटेल में देखते हैं। ओके, अभी आप एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो आप 2 मिनट सुनिएगा, हमारे अग्रीमेंट में लिख रखा था पार्टनरशिप डीड में कि हर पार्टनर को जो सैलरी है, जो कमीशन है पार्टनर का, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो प्रॉफिट का शेयर है, वो मिलेगा। मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, पार्टनर हो तो आपको मिलना ही चाहिए, तो ये सब मिलेगा आपको। लेकिन ये सब एक पार्टनर को कब मिलता है, पार्टनर ये सब लेने के लिए कब एलिजिबल होता है? तो उसका आंसर है कि पार्टनर ये सब लेने के लिए एलिजिबल होता है, पार्टनर के पास ये सारी चीजें फर्म से लेने का राइट है, कब? एट द एंड ऑफ ईयर। कब लेने का राइट है पार्टनर के पास? पार्टनर के पास ये सारी चीजें लेने का राइट है कब? एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 31 मार्च को पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का शेयर, ये सारी चीजें हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे और उसको बोलेंगे भैया जी ये आपका पैसा है, आप चाहो तो फर्म में रहने दो और आप चाहो तो लेके चले जाओ, हम आपको देने को तैयार हैं। कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड दिस इज द पॉइंट जिसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, देर आर टू पार्टनर्स, कौन कौन? ए एंड बी, देर आर टू पार्टनर्स इन द फर्म। ओके, हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है? हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2019-2020, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी चल रहा है। ओके, अभी मिस्टर ए को जो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, ये कब मिलेगा और कब मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए 31 मार्च 2020 को। कब मिलेगा उसको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का शेयर? ये उसको मिलेगा 31 मार्च 2020 को। ओके, अभी क्या हुआ कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन बिटवीन, आप मान लीजिए 1 जुलाई 2019 को मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज की जरूरत पड़ी। कितने रुपए की जरूरत पड़ी 1 जुलाई 2019 को मिस्टर ए को? कितने रुपए की जरूरत पड़ी? 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। तो मिस्टर ए ने कहा फर्म को कि डियर फर्म मुझे 1 लाख रुपीज देना। तो फर्म ने बोला भैया कहां से देवे? आपकी जो मेन कैपिटल है उसमें से देवे या फिर जो सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर बनता है उसमें से देवे? तो मिस्टर ए ने कहा कि जो मेरा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का शेयर बनता है ना, उसमें से मुझे 1 लाख रुपीज दे दो। तो फर्म ने बोला देख भाई आज तारीख क्या है? आज तारीख है 1 जुलाई 2019 और तू सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के शेयर में से 1 लाख रुपीज मांग रहा है, जबकि तेरे को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर ये सब लेने का अधिकार कब है? ये सब लेने का अधिकार तब आएगा जब ईयर एंड हो जाएगा 2020 को। जो पैसा लेने का अधिकार तेरा 31 मार्च 2020 को है, वो पैसे को तू आज 1 जुलाई 2019 को ही फर्म से ले रहा है। देख तुझे जरूरत है, हमारी फर्म मना नहीं कर रही है, ले जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तेने ये पेमेंट
9 months बिफोर फर्म से विड्रॉ कर लिया है। इस पैसे पे तेरा अधिकार कब बनता? 31 मार्च 2020 को। लेकिन तेने 1 जुलाई 2019 को बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है, हमारी फर्म प्रॉफिट तो कमा ही रही है, ईयर एंड पे मुझे आप प्रॉफिट तो दोगे ही, तो 1 लाख रुपए एडवांस में दे दो ना अभी, फिर बाद में कम दे देना। जब ईयर एंड पे आपका टोटल कैलकुलेशन 2 लाख का बने तो 1 लाख मैंने पहले ले लिए, 1 लाख मुझे आप ईयर एंड पे 31 मार्च को दे देना। तो हमारी फर्म ने मिस्टर ए को कहा कि जो पैसा लेने का तेरा अधिकार 31 मार्च 2020 है, उस पैसे को तू आज अगर 1 जुलाई 2019 को लेके चला जाएगा तो इस पैसों पर तू वादा कर कि तू हमारी फर्म को इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट देगा कौन? मिस्टर ए। कितने रुपए पे? 1 लाख रुपीस पे। कितने महीने का? 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा उसको 31 मार्च को मिलने वाला था, उस पर्सन ने 1 जुलाई को एडवांस में ही ले लिया। तो जब आप एडवांस में पैसा लोगे तो जिससे पैसा लोगे वो बोलेगा ना कि भैया इंटरेस्ट का पेमेंट करो। जी हाँ, दिस इंटरेस्ट विच इज पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों लगता है? क्योंकि एक पैसे पर जिस पे आपका अधिकार 31 मार्च को आने वाला है, वो पैसा आप एडवांस में विड्रॉ कर लेते हो तो फर्म कहती है कि भाई आप एडवांस में पैसा ले गए तो ब्याज चाहिए। क्या आपको समझ आया? अगर ये पैसा आप 31 मार्च 2020 को ही लेके जाते तो क्या आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पेमेंट करते? बिल्कुल नहीं करते। जिस पैसे का मेरा लेने का अधिकार 31 मार्च को है और वो पैसा मैं 31 मार्च को ही ले रहा हूं तो मैं किस बात का ब्याज दूंगा भाई फर्म को? लेकिन जिस पैसे पे मेरा अधिकार 31 मार्च को है, उस पैसे को मैं 1 मार्च को ही ले लेता हूं तो मुझे 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं 1 फेब को ही फर्म से ले लेता हूं तो मुझे 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। जी हां, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इससे आपको एक बात समझ आई होगी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा किस पे लगता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा लगता है किस पे? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर। किस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर। जिस पैसे का आपको अधिकार मिलने वाला है कब? 31 मार्च को ईयर एंड पे। वो पैसा आप एडवांस में विड्रॉ कर लेते हो तो उसके ऊपर हम लोग ड्रॉइंग लेंगे, मतलब फर्म पर्सन से ड्रॉइंग लेगी, ब्याज लेगी सॉरी, और उसी को हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहेंगे। तो एक बात आपको समझ में आ गई और वो क्या है? वो है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किसको कहते हैं, उस वो पार्टनर लेने का अधिकारी कब बनता है, वो अगर एडवांस में ले लेता है तो उसके ऊपर फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेती है जो कि फर्म की इनकम है। और ये आपको बात समझ में आ गई। तो सर एक बात बताओ, क्या ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? जी हां, इस पे हम लोग नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इस पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करते हैं जो कैपिटल में से विड्रॉ होता है ना उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं किसका, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिया है तो आप अनजान बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मुझे सीधा सीधा आंसर भी देना। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं हम किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एग्जांपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मान लीजिए मिस्टर ए का जो ओपनिंग कैपिटल है वो मान लीजिए 10 लाख रुपए है। फिर मिस्टर ए ने क्या किया, 1 जुलाई ऑफ द ईयर को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीस का। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 लाख रुपए पे 12 महीनों का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। ओके,
उसके बाद इस 1 लाख रुपीज पे हम 9 मंथ्स का ब्याज कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर देते हैं बराबर है। क्या आपने ये दोनों ऐड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए को दिया? नहीं दिया। आपने काम और किया, हुआ ऐसा कि 1 जनवरी 2020 को, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर की 1 जनवरी को, मिस्टर ए ने कैपिटल विड्रॉ कर ली थी। कितने रुपए? 2 लाख रुपीज। तो आप क्या करते हो, जो कैपिटल विड्रॉन है उसके ऊपर भी नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करके उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको तुम लेस कर देते हो। मतलब तुमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट एक पार्टनर को किया तो क्या किया तुम लोगों ने, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कम किया। जो उसने ड्रॉइंग करी थी कैपिटल में से उसके ऊपर आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया, लेस करके दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। तो जो पार्टनर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करता है तो उससे भी उस पार्टनर को नुकसान तो है, उसको क्या नुकसान होएगा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। और जब एक पार्टनर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करेगा तो भी उसको लॉस होगा, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा देना पड़ेगा। आप मेरी बात को एक बार फिर समझिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको आपने कम कर दिया था जब एक पार्टनर ने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया था। तो एक पार्टनर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करे या फिर प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ करे, दोनों ही केस में उस पार्टनर को नुकसान तो होगा। अगर इंटरेस्ट, अगर कैपिटल में से उसने पैसा विड्रॉ किया, विड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल किया, ऐसे केस में उसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस प्रकार उस पार्टनर को नुकसान हो गया। और अगर उस पर्सन ने ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया तो हम लोग इंक्रीज कर देंगे, किसको, इंक्रीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, तो इसमें भी उस पार्टनर को नुकसान ही हुआ। तो कुल मिला के पार्टनर को दो दो बार नुकसान नहीं दोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिड्यूस कर दो और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लगा दो, डबल नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल के ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस कर दिया तो पार्टनर को आपने ब्याज कम दिया तो उसका नुकसान हो गया ना, तो उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, उसको इंक्रीज करते हैं हम लोग क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे। अगर एक पार्टनर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करेगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेंगे, इसके ऊपर उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिला के आप बात को समझो, मैं आपको ब्याज दूं इसमें भी मेरा नुकसान है, या आप मुझे कम ब्याज दो इसमें भी मेरा नुकसान है, तो पार्टनर को अल्टीमेटली इंटरेस्ट का लॉस होगा। लेकिन बात यह है कि जब भी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट आएगा, और जब भी ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो उसका इफेक्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते टाइम इग्नोर करते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को, क्योंकि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसीडर करते हैं। आई होप आप लोगों को ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल दोनों अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मैं आपके लिए कुछ लिख के लेके आया हूं, तो वो हम लोग 2 मिनट में फटाफट से पढ़ लेते हैं। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की 6 लाइन ध्यान से सुनना और पढ़ना। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करते हैं। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक सैलरी ऑब्लिक कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है ना, ओके।
इसको हम लोग डेबिट करते हैं कहां, कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। इस प्रकार हम इससे कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। फिर ईयर एंड पे हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे कहां, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हुआ तो करंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ तो कैपिटल अकाउंट में। फिलहाल हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल इट इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कब कंसिडर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम, एंड इट इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, उसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता है और यही कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर द फर्म एंड इट इज क्रेडिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑब्वियसली इनकम है, और क्योंकि हम लोग ये इनकम पार्टनर से ले रहे हैं तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट करते हैं। ओके, इट इज अलाउड ओनली वेन देयर इज एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तभी पार्टनर से लिया जाएगा जब पार्टनर्स के बीच में इसका एक्सप्रेस अग्रीमेंट होगा। अगर अग्रीमेंट नहीं है या अग्रीमेंट साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इट इज चार्ज वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉसेस। चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या फर्म में लॉस हो, दोनों ही केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो। और इसकी जर्नल एंट्रीज कितनी होगी, तो इसकी दो जर्नल एंट्रीज होगी। क्या क्या, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ओके, ये हमारे फर्म की इनकम है इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, क्रेडिट कर दिया, और किससे लेनी है उसको हमने डेबिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। और करंट अकाउंट कब आएगा, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। और सेकंड एंट्री में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर कर देते हैं कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, अकाउंट का बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए अपनी नेक्स्ट ट्रेडिंग क्या आने वाली है, अपनी नेक्स्ट ट्रेडिंग आने वाली है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको क्या करना है, अपना कॉपी पेन उठाइए और ये जो 7 पॉइंट्स का मेरा चार्ट है इसको आप अभी अपनी कॉपी में कॉपी करिए। ओके, आप यहां पे वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, पॉइंट नंबर 1, 2, फिर आप 3 थर्ड पॉइंट पॉज करके देख लीजिए, फिर आप ये 4th पॉइंट देख लीजिए। ओके, अच्छा मैंने 4th पॉइंट 2 बार लिख दिया है, तो आप है ना सीरियल नंबर पे मत जाना, ठीक है, आप नंबर डाल देना, मैं लिख देता हूँ एक बार, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। तो दीज आर 8 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए, 6 देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आप पॉइंट नंबर 7 देख लीजिए, और फिर आप पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए। आप ये 8 पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करिए। हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन भी करेंगे और इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर अभी भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रॉफिट अकेडमी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, और आप हमारी प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मैं हूँ CA निखिल मेहता, एक बार फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।